पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में एक रैली में बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान बताया। इसी रैली में उन्होंने भारत पर व्यापार संबंधों का बहुत बड़ा दुरुपयोग करने वाला बताया है। उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ टैरिफ वॉर की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कहां होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हाल के महीनों में बाइडेन से मुलाकात और अन्य शिखर सम्मेलनों के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले कुछ दूसरे नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव अभियान से वापस लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ट्रंप और भारतीय मूल की हैरिस के बीच कड़ी टक्कर है। वॉशिंगटन नई दिल्ली को एशिया में चीन के बढ़ते असर के जवाब में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देख रहा है, लेकिन ट्रंप व्यापार को लेकर भारत के ऊपर हमलावर रहे हैं। हालांकि मंगलवार की रैली में व्यापार को लेकर भारत की आलोचना करने के बावजूद पीएम मोदी को शानदार इंसान कहा है। राष्ट्रपति पद से रहते हुए ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती थी। ट्रंप जब 2020 में भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद उनके स्वागत में एक बड़ी रैली की थी। इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया था। रैली में शामिल लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए नमस्ते ट्रंप वाली टोपी भी पहनी थी। इससे एक साल पहले 2019 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ट्रंप भी शामिल हुए थे। रैली में 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने मंच में एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे डेमोक्रेटिक नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। बाइडेन के कार्यकाल में ही पिछले साल व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि अब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। पहले विल्मिंगटन डेलावेयर जाएंगे, फिर वहां से क्वाड समिट में भाग लेंगे। इसके बाद भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी भाग लेंगे।